बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट विद टू वेक्टर्स। आज हम उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कोसाइन एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। अगर आपको याद हो तो कोसाइन एंगल थीटा हमने क्या पढ़ा था, यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड इन टू वी की मैग्नीट्यूड। ये हम फाइंड करेंगे। देखें, हमें यू डॉट वी फाइंड करेंगे, यू की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वी की मैग्नीट्यूड। फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें इसका सोल्यूशन हमारे पास, हम फर्स्ट फाइंड करते हैं यू डॉट वी, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस जे प्लस 3k। तो मैंने सिंपल बताया था कि आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, के कंपोनेंट के से, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल, के डॉट के 1 के इक्वल। इसी तरह आई डॉट जे हमने पढ़ा था 0, जे डॉट के हमारे पास 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसलिए हम आई कॉम्पोनेंट से आई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई प्लस 3, कितना आ गया 12। तो ये हमारे पास आ गया 19। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यू की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आपका तरीका था, आई कॉम्पोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 26। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वी की मैग्नीट्यूड। फाइंड करें आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 का स्केयर 16 प्लस 1 प्लस 9, तो अगेन हमारे पास ये आ जाएगा 26। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉ थीटा यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। तो कॉज ऑफ थीटा यू डॉट वी हमारे पास क्या है, 19 ओवर यू की मैग्नीट्यूड हमारे पास है स्केयर रूट 16 इन टू वी की मैग्नीट्यूड, अगेन हमारे पास स्केयर रूट 16। तो कॉ थीटा 19, देखिए दोनों सेम है, स्केयर रूट 26 इन टू स्केयर रूट 26, तो क्या आएगा, स्केयर रूट 26 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 26। तो हमारे पास क्या आ गया 26। तो देखें यही हमने फाइंड करना था कॉ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अभी आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यू परपेंडिकुलर टू वी हो, तो यू डॉट वी हमारे पास क्या होगा, 0। तो देखें इसका सोल्यूशन हमें गिवन है कि सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो सो यू डॉट वी इज इक्वल टू 0। तो लिखें अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट वी आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था कि आई कॉमन आई से मल्टीप्लाई, जे कॉमन जे से मल्टीप्लाई, के कॉमन के से, या ऐसे इधर से मल्टीप्लाई, एक ही बात है, 1 है अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्केयर माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लें, 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी करें फैक्टराइजेशन, फैक्टर लें इसके, 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, तो यहाँ से कॉमन लें, टू अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा कॉमन, टू अल्फ़ा प्लस थ्री माइनस वन कॉमन, टू अल्फ़ा प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आ गई, अल्फ़ा माइनस वन टू अल्फ़ा प्लस थ्री, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, टू अल्फ़ा प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा की वैल्यू एक क्या आ गई, वन, ये हो गया अगर नेगेटिव, टू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस थ्री, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री बाई टू। देखिए इस तरह मैंने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और बेटा इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पेपर में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखें अगर दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, ज़ीरो, दोनों के ज़ीरो के बराबर लें, वहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर फोर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड वैल्यू ऑफ जेड द वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्राइंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट सी। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, जो आपके पास राइट एंगल है यानी जो 90 का एंगल है वो किस वर्टेक्स पे बन रहा है, सी पे। हमारे पास ये वर्टेक्स ए है और बी, ले वर्टेक्स ए वन माइनस वन ज़ीरो, वर्टेक्स सी ज़ीरो टू जेड, वर्टेक्स बी हमारे पास है माइनस टू टू वन। अगर आप देखें तो ये एंगल क्या है, 90, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आपने पढ़ा है उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। निकालें दो वेक्टर, ए सी लें, ए सी वैक्टर क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ ए, ये दोनों वैक्टर निकालेंगे, ए सी और बी सी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। ओ सी ज़ीरो टू जेड माइनस ओ ए वन माइनस वन ज़ीरो, आई कॉम्पोनेंट आई से माइनस, जे कॉम्पोनेंट जे से माइनस, ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, टू माइनस वन प्लस टू प्लस वन थ्री, जेड माइनस ज़ीरो जेड। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी, निकालें बी सी वैक्टर, ओ सी माइनस ओ बी यानी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, क्या है ओ सी ज़ीरो टू जेड माइनस ओ बी माइनस टू टू वन, करें माइनस आई कॉमन से आई माइनस नेट नेट पॉजिटिव, टू टू माइनस टू ज़ीरो, जेड माइनस वन। अब हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो लिखें इसको सिंस ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, सो साइड ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मतलब ए सी डॉट बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर यू परपेंडिकुलर टू वी है तो दोनों वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। तो करें दोनों को मल्टीप्लाई, हमारे पास है माइनस वन थ्री जेड डॉट प्रोडक्ट टू ज़ीरो जेड माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने बोला था कि आप बेशक वैक्टर को ऐसे लिख लें, क्योंकि पहला आई कॉम्पोनेंट था टू आई प्लस ज़ीरो जे, दूसरा जे कॉम्पोनेंट, तीसरा के कंपोनेंट, बेशक आप कंपोनेंट के लिए शक्ल में लिख लें, बेशक आप आर्ड रिपेयर की। देखें पहला आई कंपोनेंट है, आई ने आई से मल्टीप्लाई, दूसरा जे कंपोनेंट, जे को जे से मल्टीप्लाई, तीसरा के कंपोनेंट, के को के से मल्टीप्लाई, माइनस वन टू माइनस टू प्लस थ्री प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस जेड इन टू जेड माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दोबारा नोट कर लें एक दफ़ा, देखें हम जब हम लिखते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये है वेक्टर फॉर्म। अगर आप लिखेंगे आर्डर पेयर में, पहले आई कंपोनेंट, फिर जे कंपोनेंट, फिर के कंपोनेंट लिखते हैं। चले ये आएगा माइनस टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जेड स्केयर माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड स्केयर माइनस जेड माइनस टू इज इक्वल टू, करें फैक्टराइजेशन, जेड स्केयर माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड कॉमन ले लें, जेड माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लें, जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जेड प्लस वन
इन टू जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दोनों को ज़ीरो के बराबर लें, जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू माइनस वन इज का पॉजिटिव, जेड इज इक्वल टू टू, तो जेड की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, माइनस वन और प्लस टू। एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। शो दैट सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। साबित करेंगे जो आगे पास पॉइंट पी क्यू और आर हैं ये राइट ट्राइंगल्स के पॉइंट हैं। तो देखें, आपको पता है कि राइट ट्राइंगल का क्या मतलब है कि जिसमें एक एंगल 90 हो, राइट ट्राइंगल। अगर इसमें एक एंगल 90 का है तो इसका मतलब कि दो वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो हम साबित करेंगे कि यू डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई सी दो साइड्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें, दोनों वेक्टर या दोनों साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। ये हमने साबित करना है। तो निकालें पहले वेक्टर आप, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है पॉइंट पी 1 3 2, क्यू पॉइंट है 4 1 4, आर पॉइंट हमारे पास है 6 5 5। निकालें पोजीशन वेक्टर या साइड्स पी क्यू। देखें पहला इनिशियल पॉइंट, दूसरा टर्मिनल। क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट में से हमेशा इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, साथ ओ लिखते हैं ओरिजिन ऑफ रेफरेंस के लिए। क्यू क्या है 4 1 4, माइनस पी क्या है 1 3 2। देखें आई कॉमन से आई माइनस करेंगे, जे से जे और के से के, तो क्या आएगा 4 माइनस 1, 1 माइनस 3, 4 माइनस 2, तो ये बेटा आ जाएगा 3 माइनस 2 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i-2j+2k पी क्यू। देखें पहला आई कॉम्पोनेंट, दूसरा जे कॉम्पोनेंट, तीसरा के कॉम्पोनेंट। इसी तरह आप निकालें, मैंने पी क्यू निकाल लिया, अब पी आर निकालते हैं, पी आर ओ आर माइनस ओ पी, क्योंकि अगर आप तीनों पॉइंट ड्रा करेंगे ना, देखें ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, कौन कौन साइड बनेगी, पी आर पी क्यू क्यू आर, तीन बनेगी हमारे पास साइड्स, यानी एक पी क्यू, एक पी आर और एक क्यू आर। तो मैंने पी क्यू निकाल लिया, आप निकालते हैं पी आर, क्या है ओ आर 6 5 5, ओ पी क्या है 1 3 2, आई कॉम्पोनेंट से आई माइनस करें 6 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, तो क्या आ गया 5 2 3। इस तरह निकालें अब आर क्यू, क्या आएगा ओ क्यू माइनस ओ आर, ओ क्यू क्या है 4 1 4, आर क्या है 6 5 5, करें माइनस आई कॉमन से आई माइनस, 4 माइनस 6, 1 माइनस 5, 4 माइनस 5, क्या आएगा -2 -4 और -1। तो नोट करें, हमारे पास इनमें से कोई सी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हम ज़ीरो लेंगे, तो अब हम चेक कर लेते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी और क्यू को, लें डॉट प्रोडक्ट पी क्यू डॉट प्रोडक्ट आर क्यू, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर यू परपेंडिकुलर भी, दो वेक्टर उसी वक्त परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो ज़ीरो। अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्या थी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी। तो लें पी क्यू डॉट पी आर, पी क्यू हमारे पास है 3i-2j+2k, डॉट प्रोडक्ट आर क्यू हमारे पास है माइनस, चलें वेक्टर की फॉर्म लिख लें, इसको भी देखें वेक्टर, -2i-4j-k, डॉट प्रोडक्ट -2i-4j-k। देखें आई कॉम्पोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे कॉम्पोनेंट को जे से मल्टीप्लाई और के कॉम्पोनेंट को के से, -2+3-6, -2+2+8, +2-1-2, तो -8+8, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब पी क्यू डॉट आर क्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया 0 के। तो देखें दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसी वक्त 0 जब दोनों एक दूसरे क्या हो परपेंडिकुलर, इसका मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर क्यू।
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो उसका मतलब है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है 90। देखें कॉमन वर्टेक्स कौन सा है क्यू, इसका मतलब कि आपके पास जो क्यू पे एंगल क्या बन रहा है 90। सो हमने साबित कर दिया पी आर क्यू इज राइट ट्राइंगल, यही हमने साबित करना था ये राइट ट्राइंगल है। देखें हर वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल क्या हो 90। तो जब आप इसको वेक्टर रूल से प्रूव करेंगे तो सिंपल रूल है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है 90। तो देखें मैंने साबित किया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, जो उनके दरमियान एंगल है वो क्या है 90 है। अगर एंगल 90 है तो वो जो ट्राई एंगल होगी वो क्या होगी राइट ट्राई एंगल।